नमस्कार। आज हम सभी संस्कृत भाषा संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, कक्षा 6 का। सबसे पहला पाठ है शब्द परिचय है, यानी कि शब्दों का परिचय। जिस प्रकार हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं, यह वह राम श्याम, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्दों को आज हम पढ़ेंगे। एषः कः, यह क्या है। एषः चषक है, यह गिलास है। किम एषः वृहत, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु है, नहीं यह छोटा है। सः कः, वह क्या है। सः शौचिक है, वह दर्जी है। शौचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीवयति, नहीं वह वस्त्र की सिलाई करता है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। तो ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जत है, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चै भुक्त है, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल है। किम तौ धावत है, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षत है, नहीं वे दोनों खेत में हल जोतते हैं या खेत में हल जोत रहे हैं। एते के, यह सभी क्या है। एते शूतः सन्ति, ये सभी थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये सभी हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं यह सभी नीले रंग के हैं। ते के, वे सभी कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सभी वृद्ध हैं या वे सभी बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सभी गाते हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सभी हंसते हैं। शब्दार्थः, यानी कि शब्दों के अर्थ। चषक है गिलास, वृहत बड़ा, शौचिक है दर्जी, खेलति खेलता है, सीवयति सिलाई करता है, सुनकौ दो कुत्ते, गरजत है गरजते हैं, उच्चै है जोर से, एतौ ये दोनों, भुक्त है भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बेल, धावत है दौड़ते हैं, कर्षत है जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, शूतः थैले, हरितवर्णः हरे रंग के, नीलवर्णः नीले रंग के। उच्चारणम कुरुत, छात्र है छात्र, गज है हाथी, घट है घट है घड़ा, शिक्षक है अध्यापक, मकर है मगरमच्छ, दीपक है दीपक या दिया, मयूर है मोर, बिडाल है बिल्ली, अश्व है घोड़ा।
शू कह तोता, मुस कह चूहा, चंद्र है चांद, बाल कह बालक, चाल कह चालक, गाय कह गायक। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत्। कृषक है, वृषभ है, भल्लुक है, मंडूक है, मेंढक, कपोत है, कबूतर, पर्यंड है, पलंग। कृषक है किसान, वृषभ है बैल, भल्लुक है भालू, मंडूक है मेंढक, कपोत है कबूतर, पर्यंडक है पलंग। दूर भाषा है टेलीफोन, काक है कौवा, शौच कह दर्जी। वर्णा संयोजनेन पदम लिखत। च धन अ धन, श धन अ धन, क धन अह, चषक है। स धन औ धन, च धन ई धन, क धन अह, शौचिक है। श धन उ धन, न धन अ धन, क धन औ, शुनकौ। ध धन आ धन, व धन अ धन, त धन अह, धावत है। व धन रि धन, द धन ध धन आहा, वृदहा। ग धन आ धन, य धन अ धन, न धन त धन ई, गायन ती। उच्चारण दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूर्यत। चषक है चषकौ, चषकहा, बलिवर्द है बलिवर्दौ, बलिवर्दहा। शुनक है शुनकौ, शुनकहा, मृग है मृगौ, मृगहा। शौचिक है शौचिकौ, शौचिकहा। मयूर है मयूर है, मयूरौ, मयूरहा। मयूर है मयूरौ, मयूरहा। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखते हुए संस्कृत में लिखना है। गज है काक है, चंद्र है। तालुक है भल्लुक है, बिडाल है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखते हुए हमें इनके उत्तर लिखने हैं। यथा जैसे, बालक है किम करोति, बालक क्या करता है, बालक है पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौध अश्वौ किम कुरुत है, घोड़े क्या करते हैं, अश्वौ धावत है, घोड़े दौड़ते हैं। कुकुरहा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, कुकुरहा भुकन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुत है, छात्र क्या करते हैं, छात्रौ गायत है, छात्र गाते हैं। कृषक है किम करोति, किसान क्या करता है, कृषक है हलम चलती, किसान हल चलाता है। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इनको हमें आपस में मिलान करना है और फिर मिलान करने से वाक्य बन जाएगा। जैसे गजहा गजहा का चलंती, गजहा चलंती,
सिंहाऊ गरजता है, सिंहाऊ गरजता है। गाय का है गायती, बाल काऊ पठता है, मयूरहा नृत्यंती। मंजूषात है पदम चित्वा रिक स्थानानि पूरयत। ऊपर जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मयूराहा नृत्यन्ति, गजौ गजौ चलता है, वृक्षाः फलानि। सिंहौ गर्जता है, वानर है खादती, अश्व है धावती। सह तौ सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक् स्थानानि पूरयत्। यानी कि वह, वे दोनों और वे सभी आदि इन शब्दों का, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें रिक् स्थानों की पूर्ति करनी है। अश्व है धावती, यानी कि घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा एक वचन है इसीलिए हम इसमें इसमें सह आया है। सह धावती यानी वह दौड़ता है। गजाहा चलंती, गजाहा चलंती बहुवचन है, यानी बहुत सारे हाथी चलते हैं, तो बहुवचन के लिए हम इसमें ते लेंगे। तेहे ते चलंती यानी कि वे सभी चलते हैं। छात्रौ पठत है द्विवचन का है, दो छात्र पढ़ते हैं तो इसमें अपन लेंगे ताऊ, ताऊ पठत है। वानराह क्रीडंती बहुवचन का है इसीलिए हम इसमें ते लेंगे। ते क्रीडंती यानी वे सभी खेलते हैं। गायक है गायती यानी कि गायिका गायक गाता है, गायक गाता है इसमें एक वचन है इसलिए इसमें सह लेंगे। सह गायती यानी वह गाता है। मयूरहा नृत्यंती बहुवचन है यानी बहुत सारे मोर नाचते हैं, तो ते नृत्यंती यानी वे सभी नाचते हैं। ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य बातें। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसक लिंगश्च। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृते त्रये पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष है मध्यम पुरुष है उत्तम पुरुषच। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, प्रथम एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनच्। यानी कि एकवचन द्विवचन और बहुवचन। धन्यवाद।